एक बहुत समय पहले की बात है, सीतापुर नामक एक गांव था। उस गांव से दूर एक गुफा में एक भूत रहता था। उस भूत के सिर में खजाना छिपा हुआ था। वो बहुत ही खतरनाक भूत था। जो कोई भी उस भूत का खजाना चुराने जाता तो वो भूत अपने जादू से उन्हें पत्थर का बनाकर कैद कर लेता। उस भूत के सिर से खजाना चुराने के लिए एक मंत्र बोलना जरूरी था। जब तक कोई भी इंसान वो मंत्र बोलता रहेगा तो वो भूत सोता रहेगा, पर कोई भी आज तक उस भूत के सिर से खजाना नहीं चुरा पाया। ऐसे ही एक दिन कुछ आदमी रात को खेत से काम करके अपने घर के लिए लौट रहे थे। उन सबको ध्यान ही नहीं रहता कि वो सब उस गुफा वाले रास्ते से आ गए हैं जिस गुफा में भूत रहता है। अरे मर गए रे, ये क्या, हम गलत रास्ते से आ गए। जल्दी चलो रे, इस गुफा में भूत रहता है। एक बात बताओ, सच में इस भूत के सिर में खजाना छिपा हुआ है? हाँ, सुना तो मैंने भी है, उस भूत के सिर में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है जो कभी खत्म ही नहीं होता, पर आज तक उस खजाने को कोई भी चुरा नहीं पाया। जो कोई भी भूत के सिर से खजाना चुराने गया आज तक वापस लौट कर नहीं आया। तभी उन्हें उस गुफा से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आ जाओ, आ जाओ। अरे ये तो उसी भूत की आवाज है जिसके सर में खजाना छुपा हुआ है। चलो रे, यहाँ से जल्दी चलो, जल्दी चलो। फिर वो सब आदमी जल्दी से वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, उसी गांव का एक आदमी बिरजू, जो बहुत ही लालची था, वो इतना लालची था कि वो पैसों के लालच में किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना उस भूत के सर से खजाना चुराया जाए। अगर मुझे वो सारा खजाना मिल गया तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, फिर मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बिरजू को उस भूत के बारे में सब पता था, फिर भी वो अपनी पत्नी माया से कहता है, माया, मैं क्या कहता हूँ। भूत के सर में जो खजाना छुपा हुआ है, अगर वो चुरा लूं तो हम तो माला माल हो जाएंगे। आप पागल वागल हो गए हो क्या? आपको पता भी है आप क्या कह रहे हो? आपको सब पता है फिर भी आप ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हो। आज तक कोई भी उस खजाने को चुरा नहीं पाया, और जो गया वो लौट कर वापस नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, मुझे सब पता है। सोचो सोचो, अगर वो सारा खजाना हमें मिल जाए तो तुम रानी की तरह राज करोगी। देखो जी, हमें नहीं चाहिए वो खजाना, और राज तो तब करूंगी जब तुम जिंदा बचोगे। अरे तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम देख लेना। बिरजू पूरी रात भूत के सिर से खजाना चुराने के बारे में सोचता रहा, और ये सब सोचते हुए बिरजू को नींद आ जाती है। और अगले दिन जैसे ही रात होती है, बिरजू माया को बिना बताए भूत के सिर से खजाना चुराने के लिए चला जाता है। और फिर बिरजू उस गुफा के पास पहुंच जाता है जिसमें भूत था। बिरजू हिम्मत करके गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर जाते ही बिरजू के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा भूत है। बिरजू भूत को सुलाने के लिए मंत्र बोलना चालू करता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो मंत्र बोलना भूल जाता है। हाँ, आ, हाँ, भूत भूत सो जा, सो जा भूत सो जा, भूत खजाना। अरे अरे, ये भूत तो सोया ही नहीं। भूत भूत सो जा, सो जा भूत सो जा, भूत भूत खजाना, खजाना का भूत भूत भूत। बिरजू भूत के डर की वजह से गलत मंत्र बोल देता है। बिरजू फिर से मंत्र बोलना चालू करता है, पर भूत के ऊपर कोई असर नहीं होता। ये देखकर बिरजू बुरी तरह से डर जाता है। मुझसे मेरा खजाना लेने आया था। आज तक मेरे सिर से कोई भी खजाना नहीं निकाल पाया। फिर क्या था, भूत बिरजू को पत्थर का बना देता है और उसे कैद कर लेता है।
और फिर अगले दिन उधर माया रात से परेशान थी कि उसका पति घर नहीं आया। माया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। कहाँ चले गए तुम? ऐसा तो तुमने कभी नहीं किया। माया के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ये कल रात से ही घर नहीं आए। मुझे तो लगता है ये उसी गुफा वाले भूत के सिर से खजाना चुरा। मैंने इन्हें कितना मना किया था खजाने के लालच में मत पड़ो, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे क्या पता था ये भूत के सिर से खजाने चुराने चले जाएंगे। ओ हो, आज तक कोई भी उस भूत के सिर से खजाना चुरा नहीं पाया, ये जानते हुए भी बिरजू खजाना चुराने गया। फिर सभी गांव वाले माया को चुप कराते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है कि बिरजू भूत के सिर से खजाना चुराने के चक्कर में गया था और वापस नहीं लौटा। अब तो कोई भी गांव वाला भूल कर भी उस रास्ते से नहीं जाता था जहां वो भूत रहता था। और अगले दिन उसी गांव की औरत लाजो अपने पति भीमा को बताती है। अजी आपको पता है बिरजू भूत के सिर से खजाना चुराने गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा। लगता है उस भूत ने बिरजू को भी और इंसानों की तरह पत्थर का बना दिया है। हाँ सुना तो मैंने भी है, पता नहीं क्यों लोग उस खजाने के लालच में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये कहकर भीमा खेत पर काम करने निकल जाता है। भीमा के घर की भी हालत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से भीमा कुछ दिनों से परेशान रहने लगा था। एक रात भीमा की पत्नी लाजो भीमा से कह रही थी। अजी सुनो जी, ऐसे कब तक चलता रहेगा? घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। जो कुछ भी पैसे थे वो माँ जी के इलाज में लग गए। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं घर घर जाकर कुछ काम कर लूँ। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ये कहकर भीमा उदास हो जाता है और वो कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगता है। पर भीमा को चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है और अगले दिन भीमा नहा धोकर खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। सारा दिन भीमा यही सोचता रहता है। लाजो सही कह रही थी कि ऐसे कब तक चलता रहेगा, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा और ऊपर से साहूकार का कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते भीमा का सारा दिन निकल जाता है। शाम भी हो जाती है, सब अपना काम खत्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। पर आज भीमा खेत पर और पैसे कमाने की वजह से काम करने के लिए रुक जाता है। जब भीमा अपना काम खत्म कर लेता है तो वो अपने घर की ओर चल देता है। भीमा को ध्यान ही नहीं रहता कि वो उसी रास्ते पर आ गया है जहाँ गुफा में भूत रहता है। गुफा देखकर भीमा को याद आता है। अरे ये क्या, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ वही भूत है जिसके सिर में खजाना छिपा हुआ है। भीमा को उस गुफा से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। आ जाओ आ जाओ। भूत की आवाजें सुनकर वो कुछ डर सा जाता है और वो वहाँ से जल्दी से अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर भीमा खाना खाकर सोने चला जाता है। तभी भीमा के दिमाग में भूत का ख्याल आता है और वो भूत के सिर के खजाने के बारे में सोचने लगता है। अगर मैं इस भूत के सिर से खजाना चुरा दूं, तो मेरे घर वालों की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। मुझे उस भूत के सिर से खजाना चुराना ही पड़ेगा। हाँ मुझे चुराना ही पड़ेगा, इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर अगले दिन जैसे ही रात होती है भीमा भूत के सिर से खजाना चुराने की सारी तैयारी कर लेता है और वो भूत को सुलाने का मंत्र भी याद कर लेता है। भूतम भूतम सुलांतु सुलांतु, भूतम भूतम सिर खुलांतु, भूतम भूतम सुलांतु सुलांतु, भूतम भूतम सिर खुलांतु। भीमा मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लेता है। जब तक कोई भी उस मंत्र को बोलता रहेगा भूत वो मंत्र सुनकर सो जाएगा और उसके सोते ही उसका सिर अपने आप खुल जाएगा। सिर खुलने के साथ ही कोई भी उसका खजाना चुरा सकता है। फिर भीमा अपने घर में किसी को भी बिना बताए निकल जाता है और वो उस गुफा के पास पहुंचता है जहां भूत रहता था। भीमा हिम्मत करके गुफा के अंदर घुस जाता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक भूत है। भूत भीमा को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। भूतम भूतम सुलांतु सुलांतु,
भूतम भूतम सिर खुलांतु, भूतम भूतम सुलांतु सुलांतु, भूतम भूतम सिर खुलांतु, भूतम भूतम सुलांतु सुलांतु, भूतम भूतम सिर खुलांतु, भूतम भूतम सुलांतु सुलांतु, भूतम भूतम सिर खुलांतु खुलांतु। भीमा जैसे जैसे मंत्र बोलता जा रहा था, भूत भी मंत्र की आवाज सुनकर सो जाता है और भूत के सोते ही उसका सिर खुल जाता है। उस भूत के सिर में भूत का सारा खजाना छिपा हुआ था। ये देखकर भीमा के होश उड़ जाते हैं और वो मंत्र बोलने के साथ साथ खजाना अपने थैले में डालता जा रहा था। जैसे ही भीमा का थैला खजाने से भर जाता है, वो मंत्र बोलते बोलते गुफा से बाहर आ जाता है और बाहर आकर मंत्र बोलते हुए एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देता है। इतना सारा खजाना, अब मेरे परिवार को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। भीमा खजाना लेकर वहाँ से हंसी खुशी अपने घर चला जाता है। फिर भीमा, उसकी माँ और पत्नी बड़े आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। भागलपुर नामक एक गांव में एक सरिता नाम की औरत रहती थी। सरिता दिखने में बहुत मोटी थी। वो गांव में सबसे लड़ती रहती थी, उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। गांववासी भी उससे ज्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि उसे जादू टोटका आता था। वो लोग सरिता के डर की वजह से उसे कुछ नहीं कहते। एक दिन सरिता दूसरे गांव से अपने घर लौट रही थी। वो घने जंगल की तरफ से अपने घर आ रही थी। बीच रास्ते में वो देखती है कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत सुंदर औरत पूरा मेकअप करके नाच रही है। ये देख सरिता एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और उस औरत का डांस देखने लगती है। वो औरत नाच ही रही होती है, तभी सरिता की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। उस औरत के पैर उल्टे होते हैं। सरिता उसके पैर देखकर समझ जाती है कि वो कोई औरत नहीं है, जो नाच रही है वो एक चुड़ैल है। तभी एकदम से वो चुड़ैल सरिता को पेड़ के पीछे खड़ा देख लेती है। अरे, ये औरत खड़े खड़े मुझे नाचते हुए देख रही है। ये बोलते ही चुड़ैल अपना नाचना बंद कर देती है और एकदम से गायब हो जाती है। चुड़ैल के नाचते नाचते उसके पैर से उसकी पायल निकलकर गिर जाती है। ये सरिता देख लेती है और वो भागकर उस पायल को अपने हाथ में ले लेती है। मिल गई मुझे इस चुड़ैल की एक चीज, अब इससे मैं इसे वश में कर सकती हूँ। सरिता चुड़ैल की पायल अपने पास ले लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। घर जाकर सरिता अपने जादू टोटके में लग जाती है। वो चुड़ैल कैसे चुपचाप कर नाच रही थी, अब मैं बताती हूँ उसे नाचते कैसे हैं। उस चुड़ैल को तंत्र मंत्र से अपने इशारों पर ना नचाया तो मेरा नाम भी सरिता नहीं। सरिता चुड़ैल की पायल लेकर अपना झाड़ फूक करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद पायल खुद ब खुद बजने लग जाती है। हो गई मेरी पूजा कामयाब, ये पायल हिलने लगी है। तभी चुड़ैल सरिता के आगे प्रकट हो जाती है। अरे, यहाँ मुझे किसने बुलाया, मैं यहाँ कैसे आई, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जंगल जाना है। मैंने बुलाया है तुझे यहाँ और अब तू मेरे वश में है, तुझे तो मैं बताऊंगी कैसे नाचते हैं अच्छे से, तुझे मैं नचाऊंगी अपने इशारों पर। अरे मुझे छोड़ दो, मेरी तुम्हारा क्या बिगाड़ है, मुझे मेरी आजादी चाहिए, मुझे जंगल में खुशी खुशी नाचना है। अब तू मेरे पास ही रहेगी, जो मैं चाहूंगी तू वही करेगी, तू अब मेरे बंधन में है। सरिता चुड़ैल की पायल बजाती है और उससे अपना घर साफ करने को कहती है। चल पागल चुड़ैल, आज मैं सुबह से बाहर थी, अब मैं बहुत थक गई हूँ, चल मेरा घर साफ कर दे, बहुत गंदा पड़ा है। चुड़ैल मोटी सरिता के वश में पूरी तरह से आने के कारण घर का काम करने लग जाती है। अरे, इस मोटी औरत ने मुझे अपने वश में कर लिया, अब ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। बेचारी चुड़ैल मोटी सरिता का सारा घर साफ करती है। ये सारा दृश्य सरिता की बेटी बबीता देख रही होती है। उसे चुड़ैल पर बहुत तरस आ रहा होता है। आप यहाँ कैसे आए? मुझे तुम्हारी माँ ने अपने वश में करके यहाँ बुला लिया है। पर माँ ने तुम्हें कैसे अपने वश में किया? चुड़ैल बबीता को सारी बात बताती है। मैं जंगल में नाच रही थी और तभी तुम्हारी माँ ने मुझे देख लिया और मेरी पायल ले ली। पायल ले ली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी माँ ने मेरी पायल से मेरा वशीकरण करके मुझे यहाँ बुला लिया और मुझे अपना बंधक बना लिया। अच्छा, तुम्हारी पायल के चक्कर में आज तुम यहाँ आ गई हो। हाँ, अब मैं जब तक तुम्हारी माँ से अपनी पायल नहीं ले लूँगी तब तक मैं तुम्हारी माँ के वश में ही रहूँगी। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, सबको अपनी आज़ादी का हक होता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी बहाने से तुम्हारी पायल लौटा दूंगी, तुम चिंता मत करो, बस अब तुम थोड़े दिन का इंतजार करो। ठीक है। चुड़ैल बबीता को अपने गले लगा लेती है। देखो,
तुम्हारी माँ और तुम्हारे अंदर कितना फर्क है। तुम्हारी माँ ने मुझे बंधक बनाया अपना और एक तुम हो। इतनी छोटी सी बच्ची होकर मेरी मदद कर। सरिता इस बात से अनजान होती है कि चुड़ैल और उसकी बेटी बबीता की दोस्ती हो गई है। अगली सुबह सरिता उठकर फिर चुड़ैल को खाना बनाने को बोलती है। ए पागल चुड़ैल, चल जल्दी से खाना बनाना शुरू कर, तुझे मैं बताऊँ आराम कैसे करते हैं। चल जल्दी से बिना समय लिए उठ जा और खाना बना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बेचारी चुड़ैल एक भी शब्द बिना बोले खाना बनाने रसोई में चली जाती है। चुड़ैल खाना बनाकर लाती है तभी सरिता बोलती है। अरे पागल चुड़ैल, ये कैसा खाना बनाया है तूने? तुझे कुछ काम नहीं आता क्या? सही से खाना बना, नहीं तो देख मैं तेरा क्या हश्र करूंगी। बेचारी चुड़ैल रोते रोते रसोई में जाती है और मोटी सरिता के लिए दोबारा खाना बनाकर लाती है। चल अब जल्दी से बर्तन धो दे, खाना बनाया है तो बर्तन कौन धोएगा? चलो इस चुड़ैल को कैद करके ये तो फायदा हुआ मुझे, कोई घर का काम नहीं करना पड़ता। मैं तो सारा दिन नहीं तो काम में ही लगी रहती थी। चुड़ैल के बर्तन धोते के साथ ही मोटी सरिता उसे बहुत सारे कपड़े दे देती है। चल अब इसे धो, इतना धीरे धीरे काम करती है तू जानबूझकर। मैं सब समझ रही हूँ, अगर तूने ये कपड़े नहीं धोए ना जल्दी से तो फिर मैं तुझे बिल्कुल लंगड़ा कर दूंगी अपने टोटके के माध्यम से। तू टूटे हाथ पैर लेकर घर का काम करेगी तब तुझे समझ आएगा। बेचारी चुड़ैल जल्दी जल्दी सारे कपड़े धो देती है और उन्हें छत पर सुखा देती है। चुड़ैल देखते ही देखते सारा काम कर देती है और बहुत जोरों से रोती है। मुझे मेरे जंगल वापस जाना है, मैं यहाँ बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी बस एक बबीता से आस है, वो ही मेरी मदद करेगी। और कल तो वैसे ही अमावस्या की रात है, कल अगर मुझे मेरी पायल मिल जाएगी तो मेरी शक्तियाँ मजबूत हो जाएंगी और मैं जल्दी से यहाँ से अपने जंगल चली जाऊंगी। चुड़ैल ये बात बबीता को बताती है। बेटा तुम देख रही हो तुम्हारी माँ मुझे कैसे बंधक बनाकर सारा काम करवा रही है। मैं अब अपने जंगल जाना चाहती हूँ, मेरी वहाँ और भी सहेलियाँ हैं, मुझे उधर ही रहना अच्छा लगता है। तुम मुझे कैसे भी करके कल तक मेरे घर भेज दो, कल अमावस्या की रात है, कल मेरी शक्तियाँ मजबूत होंगी। कल तुम कैसे भी करके अपनी माँ से मेरी पायल लाकर दे दो, मैं पायल लेते ही अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कल माँ से किसी बहाने से वो पायल ले लूँ। अगले दिन भी सरिता चुड़ैल से काम करवाती है और खुद आराम से बैठी होती है। अब मैं नहाने चली जाती हूँ, मुझे बड़ी थकान सी हो रही है लेटे लेटे। सरिता उठकर बाथरूम में नहाने जाती है और तभी उसकी बेटी बबीता बाथरूम का गेट बाहर से बंद कर देती है। सरिता इस बात से अनजान होती है कि बबीता ने नहाते वक्त बाथरूम का गेट बंद कर दिया है। सरिता के नहाते समय चुड़ैल और बबीता दोनों चुड़ैल की पायल ढूंढने में लग जाते हैं। बबीता और चुड़ैल सारे घर में पायल ढूंढते हैं परंतु उन्हें पायल नहीं मिलती। बहुत देर ढूंढने के बाद बबीता, एक आखिरी जगह है जहाँ तुम्हारी पायल मिल सकती है, अगर वहाँ भी नहीं मिली तो आज तुम्हारा जाना बहुत मुश्किल है और तुम यहाँ बंधक बनी रह जाओगी। नहीं नहीं, तुम ऐसे मत बोलो, तुम आखिरी जगह देखो। बबीता सरिता का टोटके वाला बैग खोलती है और उसमें देखती है। बबीता को उसमें वो पायल मिल जाती है। अरे चुड़ैल देखो, तुम्हारी पायल मिल गई मुझे। बबीता चुड़ैल को उसकी पायल दे देती है और चुड़ैल वो पायल अपने पैर में जल्दी से पहन लेती है और उसकी शक्तियाँ फिर से वापस आ जाती है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं मुझे समझ नहीं आ रहा। चुड़ैल पायल मिलने के साथ ही सरिता का सारे टोटके का सामान भी भस्म कर देती है और उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेती है और उसे एक साधारण औरत बना देती है। साथ ही साथ चुड़ैल जाते वक्त बबीता को अपनी पायल का एक घुंघरू दे जाती है। ये लो बेटा, मेरी पायल का एक घुंघरू, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तब तुम इस घुंघरू को बजाना, मैं तुम्हारी मदद करने तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है। चुड़ैल बबीता को बहुत प्यार करती है और वहां से गायब हो जाती है।